शोक सभा भी नहीं की जा सकती, दो मिनट का मौन रखना है, अभी एमपी साहब ने बतलाया है। कोई आगे कहता है भाई मुसलमानों, वो है ना तुम्हारा भाई अमीरुल खान, वो तुम्हारे देना चाहता है, तो उसकी लड़ाई इस उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं कि मुलायम सिंह जी की सीधी एक एक चैनल ने 170 कर दी, एक चैनल ने 140 दी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सरकार तो माननीय मुलायम सिंह जी की अपने पद पर रहेगी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और दुआओं के साथ आने की, अगर आप लोगों की मोहब्बत और दुआएं नहीं होंगी, चाहे सर्वे भी कह लें चाहे हमारा कह लें, सरकार बनने वाली नहीं है। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में जो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी और ये कहा था कि मुजफ्फरनगर के जितने भी मुस्लिम महल्ले हैं और कस्बे हैं उनसे तालिबानी निकलेंगे, अगर आपने किसी ABCD को जिता दिया, तो ये शब्द उन्होंने इस एहसास के साथ कहे थे कि शायद उन्हें कभी ज़िंदगी में किसी सेकुलर पार्टी में नहीं जाना है, और उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाएं भड़का के पार्लियामेंट में जाने का था। लेकिन मेरे देश की बहादुर जनता, मेरे शहर की बहादुर, मेरे इलाके की बहादुर जनता इस चीज़ को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इस चीज़ को पसंद नहीं करती है, लिहाजा उन्हें इसी बात पे उन लोगों ने हरा दिया था। आज वो समाजवादी पार्टी, मैंने मुझे मालूम हुआ है कि ज्वाइन की है, हम उसका नेताजी कहाँ विरोध दर्ज कराएंगे। कोई आगे कहता है भाई मुसलमान,